हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जांपल टू, और पिछले वीडियोज में ना हम लोगों ने एग्जांपल वन को सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या कहा गया है, ए वी कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ए वी क्या है, हमारा एक लाइन सेगमेंट है, और एक लाइन यहाँ पे एल है जो कि इस पे परपेंडिकुलर है, और ये कैसा है, परपेंडिकुलर बायसेक्टर है। तो यहाँ पे हमारे पास, मैंने यहाँ पर लिया हुआ, देखिए ए वी क्या हुआ, हमारा एक लाइन सेगमेंट हुआ, क्लियर। और L क्या हुआ, एक लाइन है जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और ये ऐसा है कि ये बायसेक्ट भी कर रहा है, यानी परपेंडिकुलर बायसेक्टर है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, ओके। और ये हमारा पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं कि ये पॉइंट C है। हम लोगों से क्या कहा गया है सॉल्व करने के लिए, कहता है इफ पॉइंट पी लाई ऑन L, यहाँ पे लाइन L पे एक पॉइंट P है, तो एक पॉइंट P हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंट P हम यहाँ पे मान लिए, ठीक है। सो दैट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, यानी A और B से P जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हम क्या करते हैं ना, इसको यहाँ पे मैच कर देते हैं कुछ इस तरह से, A हम यहाँ पे P को B से मिला देते हैं, और P को हम A से भी मैच कर देते हैं। तो हम लोग क्या दिखाएंगे, पी ए और पी बी क्या है, इक्वल है। इससे ये क्या प्रूफ हो जाएगा, पी हमारा इक्वी डिस्टेंस है, कहाँ से, ए और बी से। तो आइए हम यहाँ पे ये दोनों ही ट्रायंगल को क्या करते हैं, कंग्रुएंट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं लाइन एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ए बी लाइन सेगमेंट है, और लाइन एल जो है ये ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये हमने नोट किया। पॉइंट पी लाई ऑन एल, पॉइंट पी हमारा एल पे है, टू शो दैट पी ए इक्वल टू पी बी, यानी पी जो है वो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है हमारा, ये हमको शो करना है। तो हम यहाँ पे ये दोनों ही ट्राइंगल को क्या करते हैं, कंग्रुएंट करते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं इन ट्राइंगल पी ए सी, ओके। हम लेते हैं इन ट्राइंगल पी ए सी, और एक दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ट्राइंगल पी बी सी, ट्राइंगल पी बी सी। दोनों ही ट्राइंगल में देखिए आपको क्या क्या सेम दिख रहा है। तो सबसे पहले तो ये पी सी ये कॉमन हो गया, और ये आप देखेंगे ए सी और ए बी सी इक्वल होगा ये दोनों, क्योंकि सी क्या है ना, परपेंडिकुलर लाइन एल परपेंडिकुलर बायसेक्टर है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बायसेक्टर, तो सी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, आइए। तो पहले लिखते हैं हम लोग पी सी इक्वल टू पी सी, ये दोनों ही ट्राइंगल में क्या हमारा है, कॉमन हो गया। और दूसरा नोट करते हैं ये एंगल, एंगल पी सी ए, एंगल पी सी ए, ओके पी सी ए ये जो एंगल बन रहा है, और एंगल पी सी बी, एंगल पी सी बी ये जो एंगल है दोनों, ये 90 डिग्री से इक्वल हो रहा है। और यहाँ पे लेते हैं ए सी इक्वल टू बी सी, और लास्ट में हमारा हो जाएगा ए सी इक्वल टू बी सी, ठीक है। हम यहाँ पे रीजन क्या देंगे, रीजन तो देंगे लाइन एल ये क्या है, परपेंडिकुलर बायसेक्टर है, ओके। लाइन एल चाहे एल इज बायसेक्टर ऑफ ए बी, ए बी का क्या है, बायसेक्टर है, इसलिए वो तो हमारा मिड पॉइंट ही होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, साइड एंगल साइड, देयरफोर लिखेंगे, देयरफोर ट्राइंगल पी ए सी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी सी, और यहाँ पे हम लिख देंगे बाय साइड एंगल साइड रूल, साइड एंगल साइड रूल से कंग्रुएंट है, और इसीलिए पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा, और इसीलिए देयरफोर यहाँ पे लिखेंगे पी ए इक्वल टू पी बी हो गया, जो कि हमको प्रूव करना था। और ये क्यों हो रहा है, तो सी पी सी टी दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे प्रूफ, ये हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना था। तो हमारा एग्जाम्पल टू कंप्लीट हुआ।